Hello everyone, welcome to CR International online classes. जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे हीट. ठीक है, तो हीट में टेम्परेचर क्या होता है, उसका मेजरमेंट क्या होगा. तो पहले टेम्परेचर पढ़ते हैं. Temperature. The quantity of temperature is reliable method of finding out how hot and cold a body is. Temperature वो quantity है reliable method की, जिसमें हम ये पता लगते हैं कि कोई object कितना गर्म है और कितना ठंडा. ठीक है, कि वो quantity रिलायबल मेथड की जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म होगा कितना ठंडा. डेफिनेशन क्या होगी, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी. टेम्परेचर क्या डिफाइन करता है, क्या परिभाषित करता है कि कोई ऑब्जेक्ट की कितनी हॉटनेस है और कितनी कोल्डनेस, वो टेम्परेचर कहलाएगा. इट इज द थर्मल कंडीशन ऑफ ए बॉडी that determines whether it will receive heat from or due to another body. वो एक थर्मल कंडीशन है जिस
जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि वो किसी ऑब्जेक्ट से रिसीव कर रही है हीट या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को वो हीट दे रही है। तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको थर्मोमीटर कहते हैं, और उसको मेजर करने के लिए कुछ स्केल्स यूज किए जाते हैं। उन स्केल्स का नाम है सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। तो ये तीनों हम डिटेल में पढ़ते हैं, केल्विन स्केल, फारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल। नंबर वन, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, ठीक है, और केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल क्या है? इसको डिफाइन किया जाता है डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस तरह से इसका जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी कि मिनिमम होता है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर जो होता है, हायर जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पिघलना शुरू कर देती है और पानी अब वो जमना शुरू कर देता है, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कहलाते हैं, या इसको लोअर फिक्स पॉइंट भी कहते हैं। समझ आ रहे हैं? जिसपे बर्फ या तो पिघलना शुरू करे, पानी या उस पर जमना शुरू करे, वो कहलाता है लोअर फिक्स पॉइंट। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? वॉटर जिस पे बॉइल करना स्टार्ट करता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या अपर फिक्स पॉइंट। सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सेकंड वाला जो है वो है फारेनहाइट स्केल। सेकंड जो है वो है फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 32 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है, इनको कंपैरिजन कर लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फारेनहाइट।
इनमें अगर डिफरेंस करते हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस और यहां आ जाएगा 180 डिग्री फॉरेनहाइट। तो 112 में से 32 को माइनस करोगे तो ये आ गया 180 डिग्री फॉरेनहाइट। इनका रेशियो निकालेंगे तो 5:9 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये आ जाएगा। इसमें हम निकालते हैं रिलेशन की कैसे फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। डिग्री सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32। ये फॉर्मूला होगा 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमें फॉरेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32। ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, और अगर सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला। पहले ये ऊपर वाला यूज करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सी की वैल्यू हमें दे रखी है 25 डिग्री, एफ हमें कैलकुलेट करना है कि कितना आएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं F इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। ये तो हमारा होगा फॉर्मूला। जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे 9/5 सी की जगह कितना रखेंगे 25 प्लस 32, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा इससे 5। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 45 प्लस 32, यानी कि एफ का आंसर क्या आ जाएगा 77 डिग्री फॉरेनहाइट। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 77 डिग्री फॉरेनहाइट। एक तो एग्जांपल हो गया ये। दूसरा जो एग्जांपल है इसमें सी की जगह कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए ले ली हमने 10, ठीक है। तो यहां हम क्या कर देंगे, वैल्यू को चेंज कर देंगे। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, इसमें सी की वैल्यू पुट कर देंगे 9/5 इंटू 10 प्लस 32, ये इससे कट जाएगा 9 2 18 प्लस 32, यानी कि फॉरेनहाइट में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये तो हो गया सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। अब हम पढ़ेंगे फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए फॉर्मूला C इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32। सपोज करो ये फॉर्मूला हो गया, F की वैल्यू हमारे पास है 95, C की वैल्यू हमें निकालनी है। वैल्यू पुट कर देते हैं C इक्वल टू 5/9 इधर F माइनस
35 में से 32 माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ये इससे कट रहा है, 9 7 जा 63, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो कम आएगा, फॉरेनहाइट का वो बढ़ जाएगा। ये एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा इसकी कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे एक और ले लेते हैं कोई वैल्यू, उसमें हम लेंगे कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल साइंटिफिक जो वर्क होता है उसमें यूज किया जाता है, तो टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कैल्विन है। इसमें मिनिमम जो टेम्परेचर होता है वो 273 डिग्री और जो हाईएस्ट होता है अपर जो होता है उसमें 373 डिग्री, ये होता है, ये लोअर और ये हायर, ठीक है। अब या इसको अपर भी कह सकते हो। इन तीनों के लिए जैसे आपने मेजरमेंट के लिए निकाला, जैसे ये दे रखा है बुक में, तो यहां 3 दे रखे हैं इसमें, तीनों का सेम हो जाएगा, ये फारेनहाइट, ये सेल्सियस और ये केल्विन। फारेनहाइट 32 डिग्री, ये 0 डिग्री और ये 273 डिग्री। अपर इसमें 212, इसके अंदर 100 और इसमें 373, ये हो जाएगा, ये केल्विन स्केल। तीनों में रिलेशनशिप क्या होगी, इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180
इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन एंगल। ये तीनों में रिलेशनशिप है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो स्केल यूज किए जाते हैं वो फॉरेनहाइट और सेल्सियस के लिए यूज किए जाते हैं। केल्विन स्केल है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट में यूज की जाती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जो कि साइंटिफिक वर्क के लिए यूज की जाती है। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।